हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक LG का टीवी आया है। तो दोस्तों, ये टीवी नहीं चल रहा है, तो इसका कारण आप सभी को दिखाते हैं। चलिए, ये टीवी को यहाँ पर दिखाते हैं। ये सब दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो कि इस टीवी में टोटली रैश आ गया है, टोटली जंग लग चुका है, धूल आ गया है, मिट्टी आ गया है। तो ये सब ये देखिए, आप लोग देख सकते हो टोटली। तो और अभी बारिश का मौसम है, इसलिए ये टीवी चल नहीं रही है। चल रहा है लेकिन बहुत देर से पिक्चर आ रही है। तो इसे आप लोगों को क्या करना है, टोटल PCB को वॉश करना होगा पानी से। तो कैसे वॉश करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, तो पहले तो हम एक एक पार्ट्स को निकालना पड़ेगा, एक एक पार्ट्स मतलब कुछ ही पार्ट्स निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम निकालेंगे ESD, उसके बाद हम निकालेंगे ड्राइवर कॉयल, उसके बाद हम निकालेंगे चॉपर, उसके बाद हम निकालेंगे लाइन ट्रांसफार्मर, और ये कॉयल, और आप लोग बेस की जो वायर है, बेस को हम नहीं वॉश करेंगे क्योंकि बेस पे खराब नहीं है, तो बेस को हम वॉश नहीं करेंगे। तो पहले आप लोगों को जो जो पार्ट्स हमने बोला वो सब आप लोग पहले से खोल लेना। तो चलिए खोलते हैं, एक एक करके खोलेंगे। तो मैं ESD इतना जल्दी कैसे खोलता हूँ, आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ESD निकालना हो गया है, तो अब ESD को निकालेंगे, निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को, एक एक करके सब पार्ट्स खोलेंगे आप लोग। ESD को खोलते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये ESD हम लोग खोल के रेडी हो गया है। तो चलिए चॉपर को खोलते हैं। तो दोस्तों, चॉपर को खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम पहले खोलेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। खोलने के बाद हम लोग आते हैं फिर से। तो दोस्तों, हम लोगों ने चॉपर को खोल लिया है। ये रहा चॉपर। तो इसके बाद हम खोलेंगे ड्राइवर ट्रांसफार्मर को। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर को हमने खोल लिया है। आप लोग देख सकते हो, ये रहा ड्राइवर ट्रांसफार्मर, किधर गया, ये रहा। चलिए इसके बाद खोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद खोलते हैं लाइन कॉइल को।
तो दोस्तों लाइन कॉइल को निकालना हो गया है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये रहा लाइन कॉइल। उसके बाद हम खोलेंगे बेस की जो पॉइंट है, वो पॉइंट खोलेंगे। बेस को नहीं खोलेंगे क्योंकि बेस हमारा खराब नहीं है, बेस का पॉइंट को चलिए खोलते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सब ESD लाइन ट्रांसफार्मर ये सब कुछ नहीं खोल के भी आप सब लोग वॉश कर सकते हो, उसमें दिक्कत आ सकते हैं। कैसी दिक्कत? कि आपको सुखाने में 2 से 3 दिन लग जाएगा, और आप सब लोग ये सब खोल के सुखाएंगे तो 1 दिन में हो जाएगा। इसीलिए हम ये सब खोल के उसके बाद ही धूप में देंगे। और एक कॉइल को खोलना है। योक की वायर के एकदम पास जो कॉइल रहता है वो हम खोलेंगे। इस कॉइल को भी आप लोगों को खोलना है। तो दोस्तों इसको कहते हैं लीनारिटी कॉइल, इसको आप लोगों को खोल लेना है। तो चलिए सब कुछ खोल के रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको गर्म पानी से इसे वॉश करेंगे। चलिए वॉश करते हुए आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या हम लोग देते हैं। ये तो चलिए दोस्तों इसको वॉश करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नल के पास, तो अभी हम डिटर्जेंट पाउडर देंगे इसके ऊपर। डिटर्जेंट पाउडर हमने दे दिया है, इसके बाद हम देंगे गर्म पानी, इसके ऊपर गर्म पानी देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी देने के बाद अभी अच्छे से वॉश करेंगे इसे। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो वॉश मतलब बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गया है, ये एकदम नया PCB हो गया है, जैसा नया था वैसा नया नया हो गया है।
आप सब लोग देख सकते हो एकदम नया नया हो गया है, मतलब एकदम नया। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो बोर्ड बिल्कुल चमक रहा है, टोटल जो मॉइस्चर था वो चला गया है, जो ड्राई था वो भी हट गया है। तो अभी हम इसे धूप में सुखाने के लिए देंगे। चलिए अच्छे से आप लोग अच्छे से सुखा के उसके बाद ही टीवी पे लगाना। तो दोस्तों बोर्ड अच्छी तरह से सूख गया है, हम लौट आए हैं एक दिन बाद। एक दिन मैंने अच्छी तरह से सुखाया था और जो जो पार्ट्स मैंने खोला था वो सभी लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले लगाएंगे ड्राइवर ट्रांसफार्मर को। चलिए फटाक से लगा देते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर को। दोस्तों इसके बाद हम लगाएंगे लाइन कॉइल को। तो चलिए पहले हम लाइन कॉइल को लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा लाइन कॉइल, हमने लगा लिया है। चलिए इसको अभी सोल्ड करेंगे। तो लाइन कॉइल को हमने लगा लिया है, तो अभी हम लगाएंगे चॉपर को। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों अभी हम इस कॉइल को लगाएंगे। दोस्तों अभी हम लगाएंगे ESD को। ESD को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अभी ESD को हम लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स ESD को लगाते हैं। तो इसके बाद हम वर्टिकल IC को लगाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि TV का बोर्ड वॉश करने के लिए वर्टिकल IC निकालना ज़रूरी नहीं है। मैं निकाला था क्योंकि वर्टिकल IC ख़राब थी इसलिए।
तो दोस्तों अभी हम लगाएंगे बेसबोर्ड की वायर। बेसबोर्ड की वायर को खोलने से पहले आप लोग मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो दिक्कत आ सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लगाएंगे ESD कैप को। तो ESD कैप लगाना हो गया है, इसके बाद हम लगाएंगे बेस बोर्ड को। तो बेस बोर्ड लगाना हो गया है, इसके बाद हम लगाएंगे ईओ की वायर को। और तो दोस्तों लाइन देने के बाद आपको चेक कर लेना है कि सब लाइन देने के बाद आप सब लोग को देखना पड़ेगा कि सभी पिनों में वोल्टेज सही है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं वोल्टेज कितना कितना है। तो ये हमारा 111 मतलब ठीक है, और अभी हम देखेंगे 180 को, 177 है मतलब ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल को प्लस 14 माइनस 14, सभी वोल्टेज सही है। तो अभी हम पिक्चर दे के दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ए भी आ चुका है, तो अभी हम वीडियो देंगे, चलिए। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो कि टीवी हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए।